हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत पार्टिकुलर यहां पे बहुत बड़ी अपडेट, खासकर अप्रेंटिसशिप और यहां पे जो जनरल कैटेगरी से छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था जिसका पार्टिकुलर डीवी हो गया था। और यहां पे बात करें जो नॉर्मल वाले कैंडिडेट पीटी पास कर चुके थे और जो सीसीए वाले कैंडिडेट के रिगार्डिंग भी बिगेस्ट अपडेट आ रहा कि जो कैंडिडेट 109 बैच से रिलेटेड थे उन लोगों को रेलवे में नौकरी देने के लिए पार्टिकुलर यहां पे साउदर्न रेलवे एसोसिएशन की तरफ से एक नया मुहिम, नया बोल लीजिए आगाज यहां पे आप लोगों को किया गया है। और इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। पूरा डिटेल आपको वीडियो के आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे सीसीए छात्रों को नौकरी देने की मांग और ग्रुप डी पद बढ़ाने के लिए यहां पे डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्रालय से यहां पे एसोसिएशन जो है अपील कर रहा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए आप प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में आप किरण पब्लिकेशन का जो न्यूनतम पैटर्न पे आधारित आपका प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और हूबहू एग्जाम के जैसा आप अपना यहाँ पे जो प्री एग्जाम जो है वो उसे दे सकते हो, ठीक है। ये बुक आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए भी अवेलेबल है और यहां पे बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी अवेलेबल है। और आप लोगों को पता है कि इस बार आपका बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार आपका रेलवे में रहने वाला है, तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आती है इस बुक के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, जिसमें आपका थ्योरी और एमसीक्यू न्यूनतम बेस्ड पैटर्न पे आपका सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो एक यहाँ पे साउदर्न टीम के तरफ से ऑफिशियली मेमोरेंडम जो है यहाँ पे तैयार किया गया है और ये मेमोरेंडम आपको सीधा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एसोसिएशन को अच्छे से पता है कि इसके रिगार्डिंग आरआरबी कोई एक्शन नहीं लेगा, इसके रिगार्डिंग आरआरसी कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर हम आरआरबी को मेमोरेंडम देंगे तो ये सीधा आरआरबी कहेंगे कि भैया जो भी करेगा रेलवे बोर्ड करेगा, अगर हम आरआरसी को मेमोरेंडम देंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को मेमोरेंडम देंगे, तो वो उनका भी यही कहना है कि भैया जो भी करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन जो भी फैसला आता है उसके तहत हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहां पे साउदर्न रेलवे क्या किया है कि सीधा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे बोर्ड को ही एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें सीसीए 109 बेस का मुद्दा को इंक्लूड किया गया है, रेलवे भर्ती में जिसका डीवी हो गया है, जो पीटी पास कैंडिडेट कर चुके हैं नॉर्मल कैटेगरी से, उन लोगों को यहां पे जो सीटें बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे अदर डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो कहीं पे आपका थर्ड डीवी हो रहा, कहीं फोर्थ डीवी हो रहा, कहीं फिफ्थ डीवी हो रहा, परंतु साउदर्न रेलवे में बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट और डीवी के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट कोई अपडेट ही नहीं दे रहा। हालांकि डिपार्टमेंट ये भी अपडेट नहीं दे रहा कि कितना सीट बचा हुआ है, कितना सीट खाली है, कितना कैंडिडेट रिजाइन किए, कोई भी अपडेट नहीं दे रहा। वहीं साउदर्न रेलवे साउदर्न डिवीजन के मुकाबले में अदर डिवीजन की बात करें, अदर जोन की बात करें, तो वहां पर रेलवे अच्छा खासा भली भांति प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, परंतु साउदर्न जो फील्ड के जितने भी है वो सभी इस भर्ती को बहुत ही धीमी गति से इस पे कार्य कर रहे हैं और सही से यहां पे जानकारी भी छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको लेकर यहां पे आपका पार्टिकुलर देखिए सब्जेक्ट में अगर आप देखिएगा, उससे पहले थोड़ा सा यहां पे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीटी पास अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट इन सीएनआरआरसी 1/2019 लेवल 1 ईस्ट वाइल ग्रुप डी कैंडिडेट टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड। सब्जेक्ट में अगर आप देखिएगा तो रिगार्डिंग आरआरसी 1/2019 इंक्रीज वैकेंसी एंड स्पीड अप द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन साउदर्न रेलवे आरआरबी और आरआरसी। तो ये जो लेटर है सीधा आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहां पे भेजा गया है, किस संबंध में, तो आपका जो 2019 में ग्रुप डी का भर्ती आया था जिसमें 1,00,000 से ज्यादा पद थे और 20% रिजर्वेशन था आपका ग्रुप डी में सीसीए वालों छात्रों के लिए, तो इस वैकेंसी में आपका पद को इंक्रीज करने के मामला में और ये जो वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे फिलअप करने के मामले में साउदर्न टीम के द्वारा ये जो लेटर है वो भेजा गया है। रेफरेंस यहाँ पे बहुत मायने रखता है, यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल रेफरेंस जो है पार्टिकुलर यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। सबसे पहला रेफरेंस आपका राज्यसभा का दिया गया है, दूसरा जो आपका रेफरेंस है प्रीवियस रिक्वेस्टेड लेटर सबमिट टू श्री अश्वनी वैष्णव आवर होनेबल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो दूसरा रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि पार्टिकुलर इससे पहले भी एक लेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
रेलवे को सौंपा गया था उसका रेफरेंस दिया गया है। तीसरा में दिया गया है आवर प्रीवियस रिक्वेस्टेड लेटर सबमिटेड टू श्रीमती जया वर्मा सिन्हा चेयरमैन सीईओ रेलवे बोर्ड। तो तीसरा लेटर जो है सीईओ रेलवे बोर्ड को भी दिया गया था, उसका रेफरेंस दिया गया है। और भी मल्टीपल तरह का जो यहाँ पे रेफरेंस है आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि और आपको इस पर्टिकुलर लेटर में, हालांकि लेटर में देखिए बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बात किया गया है कि साउदर्न रेलवे में जितनी भी भर्ती आई है जो यहाँ के पर्टिकुलर ऑफिसर है डिपार्टमेंट है सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कोई भी डेटा मांगा जा रहा था वो कोई भी डेटा नहीं दे रहे, बहुत सारी सीटें अभी भी साउदर्न रीजन में खाली हैं, फिर भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपका पर्टिकुलर नेक्स्ट डीवी यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनका पीटी हो गया मेडिकल हो रहा उनको जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो सीधा लेटर ये इसीलिए आपको आरआरसी को नहीं भेजा गया, आरआरबी को नहीं भेजा गया, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर भेजा गया ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई अपडेट आए, जिसके बाद यहां पे साउदर्न जो रीजन है साउदर्न के जो अधिकारी हैं जो पर्टिकुलर आरआरसी आरआरबी के अंतर्गत आते हैं वो फाइनली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को है फटाफट करके कंप्लीट कराए। देखिए लेटर में मेंशन किया गया है मोस्ट रिस्पेक्टेड सर वीए ग्रुप ऑफ पीटी पास्ट अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट ऑफ आरआरसी, हम सभी पीटी पास कर लिए हैं लेवल वन का ग्रुप डी और एक अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ग्रुप डी 2019 जो आपका अब लेवल वन पद के नाम से जानी जाती है, पास कैंडिडेट इन बोथ रिटर्न एग्जाम सीबीटी ड्यूरिंग सितंबर 2022। तो जो आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में उसमें हम पार्टिसिपेट किए, उसमें पास आउट हो गए हैं, यहां तक कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में भी हम पास आउट हो गए हैं जो आपका जनवरी 2023 में कंडक्ट हुआ था। वी आर सबमिटिंग दिस पिटिशन टू यू ऑन बिहाफ ऑफ पीटी पास्ट 5561, मतलब 5561 अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट इन आरआरसी, ठीक है, टू लेट नो अबाउट द grievance that we are facing after the heard about the situation in 2019 a total of 13769, मतलब 1,00,000 जो पद आया था 1,03,000 के आसपास उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है जो आपका ग्रुप डी के अंतर्गत यहाँ पे अनाउंस किया गया था लेवल वन पद के लिए, ठीक है। सच एज स्टेक मेंटेनर ग्रेड फोर हेल्पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन इन विच साउदर्न रेलवे एंड आईसीएफ कंसिस्ट ऑफ 9579, मतलब 9500 से भी ज्यादा जो पद है वो आपके सिर्फ साउदर्न रेलवे में देखने को मिला था, ठीक है। आफ्टर दी फर्स्ट एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सीईएन नंबर 1/2019 वैकेंसी लेफ्ट वैकेंट एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अटेंड डीवी बट नॉट ज्वाइन इज नो दैट टिल नाउ। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि आप सभी जो यहाँ पे डेटा निकालिए कि साउदर्न रेलवे में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट डीवी हो गया सेकेंड डीवी हो गया उसके बाद वो ज्वाइन ही नहीं किए, ठीक है। जो कैंडिडेट रिजाइन कर दिए उनका डेटा निकाल कर यहाँ पे डीवी को प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। इसके साथ साथ अभी बहुत सारी बातों पर यहाँ पे चर्चा किया गया है, टोटल जो है 5561 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई कर गए तो इनको जॉब देने का काम करिए ना। जो कैंडिडेट रिजाइन कर दिए हैं जो सीट बचा हुआ है तो उस पर पहले जो कैंडिडेट पीटी पास है जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनको आप यहाँ पे पैनल उनका जारी करिए, उनका ज्वाइनिंग दीजिए। तो साउदर्न रेलवे की टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के इन्हीं सब बातों के रिगार्डिंग अवगत कराया है। इसके लिए सीसीए के लिए भी अलग से कॉलम बना के क्या बोला गया देखिए, सीसीए के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में आपको बोला गया है कि रिजेक्टेड दी सीसीए कैंडिडेट फ्रॉम पैनल लिस्ट those who do not fulfill the notification condition of para 12.2 reference Lok Sabha answer of the unstarred question number 1130 dated 26 July 2023. similarly RRC Secunderabad rejected 359 candidates on 9th November 2023 requesting to RRC chairman for during the needful फॉर रिजेक्टिंग सीसीए कैंडिडेट, ठीक है, सीसीए कैंडिडेट अपेयरिंग इन दी एनसीबीटी एग्जामिनेशन आफ्टर 12th April 2019 बैच 109 एंड लेटर एंड दी वैकेंट स्लॉट शैल बी फिल्ड फ्रॉम दी अदर इन दी कंबाइंड मेरिट लिस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे सीसीए के लिए भी बोला गया है कि जो भी 109 बैच का मामला था, ठीक है, जब यहाँ पे 20% कोटा के तहत जो सीट दिया जाता है तो 109 बैच के मामला में जो भी सीट बचा हुआ है जो भी स्लॉट बचा हुआ है उनको पार्टिकुलर यहाँ पे क्लियर करने की मांग भी यहाँ पे 109 बैच के लिए भी किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भेजा गया है, मल्टीपल रीजन को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, लोकसभा का रेफरेंस लिया गया है, राज्यसभा का रेफरेंस लिया गया है, इससे पहले जो रोजगार मेला हुआ था जिसमें पार्टिकुलर यहाँ पे बहुत सारी जो ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए थे उन
सभी का यहाँ पे मुद्दा लिया गया है। तो मल्टीपल मल्टीपल मुद्दे को लेकर यहाँ पे साउदर्न रीजन की तरफ से, साउदर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे पार्टिकुलर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर जो है यहाँ पे जारी किया गया है। सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि आप जिस भी जोन में फॉर्म अप्लाई किया, अगर आपका पीटी हो गया, आपका डीवी हो गया, आपको वेटिंग में यहाँ पे रखा गया है, तो सभी कैंडिडेट इस तरह का ग्रुप बनाकर एक एक लेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को प्रोवाइड करिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ऐसे जितना प्रेशर बनेगा रेलवे पे उतना जल्दी आप लोगों का कार्य जो है अच्छे से होगा। ठीक है, बाकी इसके ऊपर आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक करके सभी छात्रों तक शेयर करिएगा ताकि पार्टिकुलर सभी छात्रों को यहां पे जागरूक किया जा सके भर्ती को लेकर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।